आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है, यदि एक सदिश OX और OY के साथ पाई बाय 4 कोण बनाती है, तब सदिश के द्वारा OZ के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम सवाल को हल करते हैं। तो यदि यहाँ पे हमें पता है कि यदि कोई सदिश अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या संबंध होता है? ये हमारे पास होता है कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा बराबर 1 के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि OX और OY के साथ यह हमारे पास पाई बाय 4 कोण बनाती है। तो कोस पाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है दोस्तों? यह हमारे पास होता है 1/√2। तो यहाँ पे यदि हम इसका मान रखते हैं, तो यह इस प्रकार से कोई भी एक सदिश है, तो यह हमारे पास पाई बाय 4 और पाई बाय 4 है। तो हमें दूसरा एक जो OZ के साथ यह कोण बनाता है वह हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा का मान दिया गया है और गामा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा का मान हमारे पास कितना आ गया? 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया? 1/2 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। और 1/2 का योग हमारे पास 1 मिल जाएगा हमें। तो यह आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो यहाँ से हमें अंत में क्या मिला? कोस स्क्वायर गामा हमारे पास क्या है? 0 के बराबर। अब कोस 0 कब होता है दोस्तों? कोस गामा हमारे पास 0 कब होता है? जब गामा का मान हमारे पास क्या हो? पाई बाय 2 हो। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास गामा का मान पाई बटे 2 आ गया, और हमें यही पूछा गया था कि कोण ओजेड के साथ कितना कोण बनाता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ओजेड के साथ सदिश 90 डिग्री का कोण बनाता है। और दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।